दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पांडे जी टेक्निकल में। आज के इस वीडियो के माध्यम से हम फिर से आप लोगों के सामने लेकर के आ चुके हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड का, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, जिसमें आप सभी स्टूडेंट को IUPAC मैं बताऊंगा। IUPAC एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि ये जो है पिछली बार भी पूछा गया था, उसके पिछली बार भी पूछा गया था, और इससे जो आपके पूरे 5 नंबर के क्वेश्चन आते हैं आपके IUPAC नाम लिखने से। तो चलिए दोस्तों हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात हम बता देते हैं आप सभी स्टूडेंट्स के लिए कि आप सभी स्टूडेंट को पहले कार्बन के एटम को गिनने हैं। यदि आपके एक कार्बन का एटम है तो उसके लिए दोस्तों हम मेथ यूज करेंगे, दो कार्बन का एटम है तो इसके लिए हम एथ यूज करेंगे, तीन कार्बन का एटम है तो हम प्रोप यूज करेंगे, चार कार्बन का एटम है तो ब्यूट यूज करेंगे, और 5 कार्बन का एटम है तो पेंट यूज करेंगे, 6 कार्बन का एटम है तो हेक्स यूज करेंगे। इसी तरीके से हेप्ट, ऑक्ट, नॉन और डेक 7, 8, 9 और 10 कार्बन के लिए हम यूज करते हैं। अब देखिए दोस्तों, सिंपल एक तरीका मैं बता दूंगा जिससे आप लोग नाम लिखना सीख जाएंगे। हमेशा ये देखिएगा कि पहले आपको काम क्या करना है, देखना है आपको। सबसे पहले मैं रूल आपको बता देता हूं, ये रूल जो है आपको 5 नंबर दिला देगा। बिल्कुल ध्यान से देखिएगा दोस्तों रूल को। सबसे पहला रूल होता है कि आपको कार्बन की एटम को काउंट करना है, ठीक है? कार्बन की एटम को दोस्तों काउंट करना है। कार्बन की एटम आपने यदि काउंट कर लिया, दूसरा काम आपका होता है उसका नंबरिंग करना। क्या करना दोस्तों? तो उसका नंबरिंग आपको करना होता है। हमेशा दोस्तों दो बातें याद रखिएगा, नंबरिंग आपको वहां से करना है जहां से आपका एल्किल ग्रुप, जिसे हम R से डिनोट करते हैं, ये पहले आए। अगर एल्किल ग्रुप जहां से पहले आता है वहां से नंबरिंग करेंगे तो आपका बिल्कुल सही होगा। हमेशा ध्यान दीजिएगा, कार्बन टू कार्बन यदि सिंगल बॉन्ड है तो अंतिम में लगेगा दोस्तों N, कार्बन टू कार्बन आपका यदि डबल बॉन्ड है तो अंतिम में लगेगा आपका इन, और कार्बन टू कार्बन यदि आपका ट्रिपल बॉन्ड है तो अंतिम में लगेगा आपका आइन। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं किस तरीके से हमको नाम लिखना है। पहले आप दिए गए कंपाउंड में देख लीजिए कितने कार्बन एटम है। तो दोस्तों मैंने काउंट कर लिया, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 कार्बन की एक लंबी श्रृंखला हमको मिल गई। तो हमने 6 कार्बन की लंबी श्रृंखला ले ली। अब हम कहते हैं कि नाम कहां से लिखेंगे, नंबरिंग कहां से करेंगे। हमको पता है जहां से ये एल्किल ग्रुप आपका जो है पहले आएगा वहां से हम नाम लिखेंगे। तो यहां से नाम लिखते हैं तो दूसरे पोजीशन पे आपका एल्किल ग्रुप आता है, ठीक है? तो एल्किल ग्रुप में भाई कौन सा ग्रुप है ये? तो एल्किल ग्रुप में आपका है ये मेथिल ग्रुप। तो मैंने पहले ही लिख दिया इसको, क्या लिख दिया भाई, 2 मेथिल, और 6 कार्बन के लिए दोस्तों हो जाएगा हेक्स, और सिंगल बॉन्ड है तो हो जाएगा एन। तो ये आपका सही नाम हो गया दोस्तों, 2 मेथिल हेक्सेन। बिल्कुल सिंपल है और आपको ये 5 नंबर दिला के रहेगा, तो इसलिए जो है आप लोग वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। सिंपल मैंने बता दिया, आपको कार्बन के एटम को काउंट कर लेना है और उसकी नंबरिंग कर लेनी है, ठीक है? कार्बन की एटम को काउंट करके आप सभी स्टूडेंट को नंबरिंग कर लेनी है, तब जाकर के आपका जो है बिल्कुल सही नाम लिखा जाएगा, ठीक है? हमेशा याद रखिएगा, सिंगल बॉन्ड रहेगा तो एन लगाना है, डबल बॉन्ड रहेगा तो इन लगाना है, ट्रिपल बॉन्ड रहेगा तो आइन लगाना है। एक और काम करना है दोस्तों आप सभी स्टूडेंट को, मैं बता दूं कि ये जो आपका एल्किल ग्रुप है, AlkyL एल्किल जो ग्रुप है आपका, इस एल्किल ग्रुप की आप लोग पोजीशन लिखना ना भूलिएगा, ठीक है? इस एल्किल ग्रुप की आप सभी स्टूडेंट को पोजीशन लिखना है कि कौन से पोजीशन पे आपकी एल्किल ग्रुप है, पहले पोजीशन पे है कि दूसरे पोजीशन पे है, ठीक है? यहां पर मैंने कार्बन के लॉन्गेस्ट चेन को सेलेक्ट किया तो हमें मिल गया दोस्तों 1, 2, 3, 4, 5, 6 कार्बन का लॉन्गेस्ट चेन मिल गया, जिसमें हमारा अगर हम नेमिंग करते हैं तो इस हमारे दूसरे पोजीशन पे एल्किल ग्रुप लगा हुआ है और ये हमारा चौथे पोजीशन पे एल्किल ग्रुप लगा हुआ है, ठीक है? तो मैं नाम लिखा, सबसे पहले एल्किल ग्रुप की पोजीशन लिखा तो ये आपका 2, 4, और एल्किल ग्रुप में कौन सा ग्रुप है भाई, तो मेथिल ग्रुप है। अगर मेथिल ग्रुप चाहे कोई भी ग्रुप 2 बार आता है तो डाई लिखेंगे, और 3 बार आता है तो ट्राई लिखेंगे, ठीक है? तो 2 बार आपका मेथिल ग्रुप आया हुआ है तो हम लिख देंगे 2, 4 डाई मेथिल, ठीक है? 2, 4 डाई मेथिल। अब देखेंगे कितने कार्बन थे हमारे पास, 6 कार्बन थे भाई, तो 6 कार्बन के लिए हम लिख दिए हेक्स और सिंगल बॉन्ड है तो लिख दिए एन। तो ये हो गया आपका 2, 4 डाई मेथिल हेक्सेन, आपका सही नाम हो गया। इस तरीके से ही आपको नाम लिखना होता है दोस्तों, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मैंने बता दिया है कि एल्किल ग्रुप रहेगा हमेशा, तो आप लोगों को दोस्तों नाम लिखना है, एल्किल ग्रुप की पोजिशन जरूर लिखनी है, ठीक है? एल्किल ग्रुप की आप पोजीशन लिखते हैं तभी जाकर के नाम आपका सही होगा। जैसे कि इसमें मैंने देख लिया कि 1, 2, 3, 4, 5 कार्बन एटम का मेरे पास लॉन्गेस्ट चेन मिल गया। जब हमारे पास 5 कार्बन एटम का लॉन्गेस्ट चेन मिल गया तो
तब क्या होगा, दूसरे पोजीशन पे हमारा एल्किल ग्रुप लगा हुआ है। कौन से पोजीशन पे एल्किल ग्रुप है, तो दूसरे पोजीशन पे है, तो दूसरे पोजीशन पे दो दो एल्किल ग्रुप है आपका, ये एक एल्किल ग्रुप है और एक ये एल्किल ग्रुप है, तो यहाँ पे लिख दिया हम 2 2। अब देखिए चौथे पोजीशन पे भी हमारा एल्किल ग्रुप है, तो मैंने लिख दिया 4, तो ये हो गया आपका दोस्तों 2 2 4। कितना बार एल्किल ग्रुप है, तो 3 बार है, तो 3 के लिए हमने लिख दिया ट्राई। एल्किल ग्रुप में कौन सा ग्रुप है भाई, तो एल्किल ग्रुप पे आपका मेथिल ग्रुप है, तो मैंने लिख दिया 2 2 4 ट्राई मेथिल। 5 कार्बन के लिए मैंने सिंपल लिख दिया, पेंट सिंगल बॉन्ड के लिए लिख दिया एन, तो ये हो गया दोस्तों 2 2 4 ट्राई मेथिल पेंटेन आपका IUPAC नाम। स्टार टॉपिक है दोस्तों, आप लोग 5 नंबर इससे ले सकते हैं, ठीक है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और आप लोगों को कभी भी दोस्तों ये टॉपिक जो है आपका 5 नंबर दिलाने वाला है, तो इसमें आपको टेंशन लेने की बात नहीं है, ठीक है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट बात करते हैं अपने क्रैश कोर्स के बारे में। तो यदि आप हमारे क्रैश कोर्स से जुड़ना चाहते हैं तो आप दिए गए नंबर 8826396022 पे कॉल करें। यदि आप अपनी सेमेस्टर परीक्षा की तैयारी करना चाहते हैं जिसमें आपको अप्लाइड फिजिक्स, अप्लाइड केमिस्ट्री, अप्लाइड मैथमेटिक्स, कम्युनिकेशन स्किल और इंजीनियरिंग ड्रॉइंग की क्लासेस यदि आपको लेनी है एक मंथ में, यदि आप लोगों को प्रिपरेशन करना है सेमेस्टर परीक्षा का, तो आप लोग दिए गए नंबर पर कॉल करें। कॉल करके जो है आप हमारे क्रैश कोर्स से जुड़ सकते हैं। वीडियो देखने के लिए और हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।